हेलो अल्टीमेट फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लकी अल्टीमेट। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं WWE 2K12। अब आप लोगों में से बहुत लोग बोलोगे यार ये तो WWE 12 गेम है, तुम 2K12 के बोलते हो। तो मैं बताता हूँ यार, इन छोटी सी चीजों पे बहुत ध्यान जाता है। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इतने दिनों से बेचारा लाल हुआ रखा है, आप लोग उसको प्रेस ही नहीं करते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे करोगे, आप लोग प्यार से करो, मोहब्बत से करो, या फिर सुपरमैन पंच मार के करो, या फिर सुपर किंग मार के। बस दब जाना चाहिए क्या सब्सक्राइब बटन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उसका भी कोई पैसा नहीं पड़ता है। तो आई होप सब लोगों ने सब चीजें कर दिया होगी। और मैंने भी यार यूट्यूबर होने का कर्तव्य निभा दिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करके, और आपका भी फर्ज बनना है व्यूअर होने का कर्तव्य निभाओ। आई मीन से जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। तो आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो विदाउट एनी वेट लेट्स स्टार्टिंग वीडियो ऑफ लकी अल्टीमेट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, और ये WWE 12 गेम है, और जो कि आया था 2011 में। SVR 2011 के बाद आया हुआ ये गेम, SVR सीरीज एंड होने के बाद ये दो सीरीज में गेम आया था, WWE 12, WWE 13 पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका है। अगर आपको खेलना है WWE 13 तो आप लोगों को आई बटन पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप WWE 13 गेम भी खेल सकते हो। बाकी ये है WWE 2K12 जो कि स्टार्ट हो रहा है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो यार इसका एनिमेशन वगैरह बहुत ही झक्कास है। और ये हमारा गेम फुल्ली लोडेड हो चुका है, और ये मेन मेन्यू, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और एक गेम खेलते हैं। इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रोस्टर फुल्ली अनलॉक है, सारे कैरेक्टर अनलॉक है, सारे अरीना भी अनलॉक है। और आप देख लो, वन पी में सेलेक्ट करूंगा रैंडी ऑर्टन, क्योंकि मुझे रैंडी ऑर्टन से खेलना है, और रैंडी ऑर्टन के साथ भाई उस टाइम पे फ्यूड तगड़ी चलती थी जॉन सीना की। तो मैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच में फाइट कराऊंगा। ये रैंडी ऑर्टन, और कहाँ है जॉन सीना, भाई जॉन सीना मिल जा। तो ये रहा जॉन सीना यहाँ पर, और जॉन सीना को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और अब सेलेक्ट करने का टाइम है अरीना। अरीना जैसे भी बताया कि सारे अनलॉक है, तो अरीना मैं रॉ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रॉ में होगी फाइट। एंट्रेंस को ऑफ करके गेम को स्टार्ट कर लेते हैं, और ये हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। और गेम स्टार्ट हो चुका, पहला मैं क्लोज लाइन दूंगा इसको, और ये बच्चा भाई, और ये फिर से बच्चा। अब मैं इसको यार किनारे ले जाऊंगा इसको, और किनारे से ही मैं इसको मूव परफॉर्म करूंगा, और ये मैं क्लोज लाइन दूंगा इसको, ये लिए क्लोज लाइन। और अभी मैं फिर से उसको उठाऊंगा, और फिर से क्या पर रोप्स के किनारे ले जाऊंगा, फिर से मैं क्लोज लाइन दूंगा, और इसको मैं ये ले गया, और ये मैं, ओ भाई ये क्या हुआ, ये आ चुका है मिज। अब मिज और इसमें कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे को नहीं पता है किसको मारेगा। और ये मिज ने धोखेबाजी कर दी है जॉन सीना के साथ, बट अपन लोगों को तो फ़ायदा ही है। अब जॉन सीना को उठाएंगे और उस पर हम वो परफॉर्म करेंगे, और इसको मैं उठाता हूँ और इस पर 13 मूव परफॉर्म करूँगा, फिर क्या अपन लोग मैच जीत जाएंगे। बट देखो भाई रस्सी चल गई, बल नहीं गया, अभी जॉन सीना फुल्ली चार्ज है, और इसने मेरे को रोप्स के बाहर कर दिया है। और क्या मुझे को बाहर फेंक देगा, नहीं किल नहीं, मैंने रिवर्स कर दिया। इधर आ, इधर आ, ये तो इधर आ नहीं रहा, इसको मुझको अंदर जाना पड़ेगा। और ये मैं गया अंदर, और ये ले मूव भाई, मैं फिनिशर अपने फुल कर लेता, फिर फिनिशर दूंगा इसको RKO। और ये देखो इसने मुझे रोप्स पे दे दिया, पर अपन लोग जो है फिर से इसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, और इसने मुझे रोप्स पे डाल दिया है, और देखते हैं क्या परफॉर्म करेगा। और ये मैंने दे दिया है भाई RKO जैसे से रिलेटेड लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा फीलिंग आया RKO का, बट RKO नहीं था वो। और मैं इसको फिर से लगा, मैं OMG देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट फिनिशर ही नहीं है तो कैसे OMG होगा। और ये एक और क्लोथ लाइन, और अभी इसको मैं उठाता हूँ, एक और मूव परफॉर्म करूँगा, शायद से मेरा फिनिशर फुल हो जाए इसके बाद से। और मैं रोप्स DDT भी देना चाहता हूँ, क्योंकि रोप्स DDT मूव जानते होंगे आप लोगों के, बहुत ही तगड़ा मूव है रैंडी ऑर्टन का। और ये एक सुप्लेक्स, और इसको मैं उठाता हूँ भाई, सिग्नेचर आ चुका, तो सिग्नेचर परफॉर्म कर लेते हैं अपन लोग। तो ये सिग्नेचर हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया है, और ये सिग्नेचर भाई देखो कितना तगड़ा लग रहा है। अब उठाएंगे, और आप लोगों को पता ही होगा कि क्या करेंगे हम लोग इसके साथ। और ये RKO यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको पिन कर देता हूँ, बट नहीं, यहाँ पर देखो यार जॉन सीना बिल्कुल चार्ज है, और अब इसका भी फिनिशर आ चुका है, इसे दूरी रहना पड़ेगा, नहीं तो यार ये मुझको ए दे देगा। और इसने देखो यार फेंक भी दिया मुझे रिंग के बाहर, बट अपन लोग अंदर आते हैं, और ये रैंडी ऑर्टन ने फिर से भाई रिवर्स कर रहा है भाई बहुत तगड़ा। तो ये मैं रिंग पे ले जाता हूँ, और ये फिर से टकरा गया हूँ। देखो भाई को ज़्यादा भी मूव्स पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि अभी भी नया नया गेम खेलना स्टार्ट किया है, फिर भी मैं एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा गेम कर रहा हूँ गेम प्ले। और ये मैं रोप DDT देने की तैयारी है, और ये हाँ भाई हो गया रोप DDT, और ये हो गया रोप DDT, और इसके बाद मैं इसको उठाऊंगा और 2-3 मुक्का वगैरह मारूंगा, जिससे कि यार मेरा जो है सिग्नेचर आ जाओ, फिर फिनिशर आ जाओ, मैं इसको पिन कर दूंगा जल्दी से जल्दी, गेम प्ले को फिनिश करूंगा। फिर से उठाया मैं इसको क्लोज लाइन, नहीं पड़ा भाई क्लोज लाइन, और भाई कहाँ से पड़ेगा, ये इसने पकड़ लिया मुझे, और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे मारने नहीं दे रहा। चलो कुछ इसे थोड़ा सा मार कर रखा लेते हैं, यही कुछ परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर मैंने रिवर्स कर दिया गलती से, वही ना।
तो ये देखो भाई बहुत तगड़ा है। यहाँ पर देखो ऐसा सीन है कंप्यूटर की, कंप्यूटर हार्ड मोड में सेलेक्ट नहीं ना, तो थोड़ा सा मेरे को एडवांटेज है। बट अपन लोग जो है अभी भी गेम खेलना स्टार्ट किया, उस हिसाब से देखा जाए तो गेम प्ले मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। और मैं इसको सोच रहा हूँ कि जल्दी से यार खेल को ख़त्म करते हैं, सिग्नेचर हमारा आ चुका है। तो देखो यार ये मैं इसको रोप्स पे ले जाकर मैं वो सुप्लेक्स टाइप का क्या होता है उसको देने वाला टाइप स्पाइन बस्टर की तरह वो देना चाहता हूँ, बट वो मूव परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार रोप्स पे इसको ले जा रहा हूँ इसीलिए। और रिहट भाई, और इसने यार रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद यही मूव परफॉर्म करे तो मुझको ही करने दे, और ये रोप्स मुझे ले गया है। क्या रिवर्स कर देगा वो, रिवर्स 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 नहीं हुआ, रिवर्स अगर कर देता क्योंकि मेरा फिनिशर आ चुका है, मैं ओएमजी दे दूंगा इसको, नहीं तो कुछ। तो ये मुझको क्लोथ्स, अरे देखो भाई ये ना खुद कर रहा है ना मुझे परफॉर्म करने दे रहा है, और अगर मैं रिवर्स कर पाऊंगा तो पक्का मैं इसको आर के ओ दे दूंगा। और मैं रिवर्स कर लिया भाई, रिवर्स कर लिया, अब ये लो आर के ओ, मैं आर के ओ देने वाला हूँ, ये ले आर के ओ। और आर के ओ देने के बाद आप लोगों को पता ही मैं क्या करूँगा, पिन करूँगा जल्दी से, गेम ख़त्म करूँगा। और ये 1 2 3 और हमारा गेम खत्म हो चुका है। और बाकी हम बता दूँ आप लोगों को, अगर गेम को खेलना है तो आप लोगों को बस कमेंट बॉक्स विजिट कर लेना है, कमेंट बॉक्स में सारी डील मैंने दे रखी हुई है, कमेंट बॉक्स में जाना, अपने ओपिनियन बताना, गेम प्ले कैसे लगा, क्या कुछ का लगा, वहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगा गेम को कैसे खेलना है आप लोगों को। बाकी रैंडी ऑर्टन जी चुका, और अभी आइस का आइकॉनिक सिग्नेचर जो कि एयर रोप्स पे खड़े होकर कुछ करता है, जो कुछ करता है आप लोग देख लो, और ये खड़ा हुआ है, और ये देखो भाई ये आइकॉनिक केस इनके लिए भाई मज़ा आ जाता है मेरे को देखकर। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जैसे नेक्स्ट वीडियो को वेट, मिलेंगे इस चैनल पर जिसका नाम है लकी अल्टी वेट। ओ मेरी जान ना हो परेशान, झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं, ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा ता कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं।